allowed fun to what is looks in एक कहानी ग्राम मादीपुर पोस्ट अलावा जिला संतावी नगर की है। पिछले कई सालों से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। यहाँ लगभग 300 लोग बिजली से पीड़ित हैं। आपके गांव में कौन सी समस्या है? सबसे पहले तो हमारे गांव में बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, जो उनके लिए सुविधा हो जाती और आज तक हम लोग अंधेरे में है, उजाले में हो जाते। रास्ते में जो है आते जाते हैं लोग, रास्ते में भी गिर पड़ते हैं और चोट लग जाती है, तमाम दिक्कतें हैं। हमारे गांव में बिजली आज तक 50 साल हो गए, हमारे गांव में बिजली नहीं आई और बड़े पूर्वे पर है, लेकिन हमारे दलित बस्ती होने के कारण जो है लोग नहीं यहां आने दे रहे हैं। अब की साल जो है कि विधायक निधि से पास हुआ था बिजली हमारे पूर्वे के लिए, लेकिन विनोद चौरसिया एक बीपीआई के सचिव हैं, ये जो है कि अपने घर तक ले आकर के इंड करवा लिए, इसके बाद इधर नहीं आया हमारे गाँव में। समस्या यही है कि हमारे गाँव में लाइन नहीं है, तो जब लाइन नहीं है तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बड़ी दिक्कत होती है। समय से लड़के पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल पर जाते हैं तो मार खाते हैं। वहाँ से मास्टर बताते हैं कि जब घर पढ़ो, तो जब घर पढ़े उजियाला नहीं पाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे। तो लड़के सुबह जाते हैं स्कूल तो मार खाते हैं, फिर माँ बाप से कहते हैं 2 लीटर तेल मिलता है, 2 लीटर तेल एक महीना कैसे चलेगा। यही कुल समस्या हमारे गांव में खराबी है, लाइन की बहुत जरूरी है। हम बताए किस कारण नहीं बिजली लग रही है? जैसे कारण तो ये होता है कि जब सरकारी कोई प्रोजेक्ट आता है किसी विशेष निधि के लिए, कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो विभाग को जो भी इस्टीमेट होता है वो उपलब्ध कराते हैं। सांसद विधायक निधि या सरकार का कोई निधि जो होता है, उसमें से जब उपलब्ध कराया जाता है तो विभाग इलेक्ट्रिफिकेशन करता है उसका। तो अब क्यों नहीं आया या कैसे नहीं आया, ये तो हमारे और अभियंता महोदय बता सकते हैं इसको। मैं चाहती हूँ कि ग्राम महादेवपुर में रहने वाले लोगों के लिए बिजली की व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए। वीडियो को देखने वाले सभी श्रोताओं से मेरी ये अपील है कि यहाँ के बिजली विभाग अधिकारी का नंबर 7897367154 है, जिस पर कॉल करके दवा डाले। मैं माधुरी चौहान, फरीदाबाद जिला संतकबीर नगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनपढ़ के लिए।